सब्सक्राइब कीजिए तुषार अग्रेजी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं लेटेस्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो कार के आर्म रेस्ट को। तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। स्वागत है आपका तुषार गुरुजी चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरे पास में महिंद्रा स्कॉर्पियो का वुडन आर्म रेस्ट जो कि आपको लेदर फिनिशिंग के साथ में मिलता है। ये आर्म रेस्ट की खास बात ये है दोस्तों कि ये वुडन का बना हुआ है और इसे आपको इंस्टॉल करने के लिए किसी भी स्क्रू या नट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है स्कॉर्पियो कार के लिए। इसे आपको अपने हैंड ब्रेक के पास में सिर्फ ले जा के रखना होता है। ये प्रॉपर फिटिंग के साथ में आपको मिलता है। इसके फीचर्स की हम लोग बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस आर्म रेस्ट में आपको एक बूट स्पेस भी दिया गया है। जी हाँ, इसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन, वॉलेट, चार्जर, एनीथिंग एल्स जो भी आप चाहे उसे वहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं। और ये आर्म रेस्ट कुछ इस तरीके से आपको इंस्टॉल होने के बाद दिखेगा। आप इस तरीके से अपने आर्म्स को वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके बैक साइड में आप देखें तो यहाँ पर आपको दो बॉटल होल्डर दिए गए हैं जिसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक बॉटल को कैरी कर सकते हैं या आप चाहे तो अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर कैरी करके रख सकते हैं। ये एक प्रॉपर फिटिंग के साथ में आपको मिलता है। इसमें आपको किसी भी स्क्रू से टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपकी गाड़ी के हैंडब्रेक के पास में जाके फिट हो जाता है और कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। आप इजीली हैंड ब्रेक लगा सकते हैं और जब आपका मन कहे करे आप इसको निकाल भी सकते हैं। दोस्तों इस आर्म रेस्ट के प्राइस की मैं बात करूं तो ये आपको 2000 रुपीज़ में मिल जाता है। ये आर्म रेस्ट वुडन का बना हुआ है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो के एंड में मैंने आपको एक पिक भी शेयर की है जिसमें ये इंस्टॉल होने के बाद में कैसा दिखता है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमारे मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में आपको दो टाइप्स के आर्मरेस्ट मिलते हैं। एक आर्मरेस्ट आपको फाइबर का मिलता है या प्लास्टिक का मिलेगा और दूसरा ये वुडन वाला आर्मरेस्ट। दोस्तों फाइबर वाला जो आर्मरेस्ट होता है वो आपको प्राइस में थोड़ा सस्ता मिल जाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी लो रहती हैं। आप उसे इंस्टॉल करवाएंगे तो उसको पहले कार के अंदर स्क्रू से टाइट करना होगा आपको और उसे आप रिमूव भी नहीं कर सकते। ये आर्म रेस्ट काफ़ी अच्छा है और इसे आप इजीली वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी गाड़ी में, जब चाहे इसे रिमूव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि यदि आप अपनी गाड़ी में एक अच्छा आर्म रेस्ट लगवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दे के ये वुडन वाला आर्म रेस्ट आप लगवाएं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।